हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइंस किचन। आज मैं आपको एक बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी, बहुत मज़ेदार स्नैक बताऊंगी। इसको आप एकदम से जब हमारे यहाँ गेस्ट या फ्रेंड्स आने की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि क्या बनाएं। तो ये वो चीज़ है जो आप घर में अवेलेबल दही, ब्रेड ये सब रहता ही है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, इसको हमको फ्राइंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ब्रेड से दही बड़े बनाएंगे। तो ये ब्रेड ले लीजिए आप और इसको इस तरह से गोल गोल काट के रख लीजिए। ये जो ब्रेड के एक्स्ट्रा हमारे निकलते हैं इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इससे क्रम बन जाता है, ब्रेड का उपमा बन जाता है, ब्रेड का हलवा बन जाता है। तो ये हम इस तरह से सब काट के रख लेते हैं। ब्रेड हमने इस तरह से गोलाकार में काट ली है। इसके लिए मैंने मीठा दही लिया है और शक्कर मैं डालूंगी। इसको हल्का सा खटमिठा हम फ्लेवर देंगे। शक्कर है, इमली की चटनी है, आजकल मार्केट में इमली पिचकू भी अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। मैं रेडी करके रखती हूँ तो मेरे पास घर की बनी इमली की चटनी है। और इसमें डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा प्याज और ये बारीक सेव है, काला नमक, नमक सादा, ज़ीरा और लाल मिर्च जो हम दही बड़े में डालते हैं, ये वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, दही में अंदाज से हम जितना भी हमको शक्कर पसंद है खटमिठा वो हम डाल के ब्लेंडर में चला लेंगे। तो मैं 3 चम्मच मैंने यहाँ शक्कर ली है, अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। हमने इन्हें काट के रख लेना है और जैसे ही हमको यूज़ करना है तभी हम इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे, नहीं तो ब्रेड एकदम से नरम हो जाएगी। तो गर्मी के दिन है, दही को आप ठंडा करने फ्रिज में रख सकते हैं। ये ऑलरेडी ठंडा किया हुआ दही है। इसको इस तरह से ब्रेड के ऊपर ढाके पहले से बना के मत रखिएगा, नहीं तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी। थोड़ी सी प्याज डालें, सेव डालें। अगर आपके पास अनारदाना हो तो आप इसको कलरफुल बनाने के लिए अनारदाना भी डाल सकते हैं। ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं ब्रेड के दही बड़े बनाने में और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब एकदम से मेहमान आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और मेरे साथ सीखिए कुछ इसी तरह की जल्दी से बनने वाली रेसिपीज़। और बच्चों को भी एनकरेज करिए कि वो भी इस तरह की सिंपल डिशेस सीखें।